Hello guys, welcome back in Movies Mania World. तो ये बात तो हम जानते हैं कि एनिमेशन मूवीज हमारे दिलों में जगह बनाने में सक्षम है, जिसमें ढेर सारे प्यार है, और ये मूवीज हमारे दिलों से कभी भुलाई नहीं जा सकता। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे टॉप 10 बेस्ट एनिमेटेड मूवी सीरीज जो अलग अलग कंसेप्ट पर बनी है। अगर आप किसी भी मूवीज को मिस नहीं करना चाहता है तो वीडियो पर जरूर अंत तक बने रहना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये सारे मूवीज़ आपको हिंदी डब पे देखने को मिल जाएगा, और इन मूवीज़ को कहाँ देखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 वाली मूवी है माडागास्कर। ये मूवी 2005 में आया था, और अभी तक इनमें 3 मूवीज़ और एक स्पिन ऑफ मूवीज़ बन चुकी है। तो इसमें कहानी दिखाया है कुछ जानवरों की जो जू में रहता है, और कहानी तब शुरू होता है वो जानवर जब जू से बाहर निकल के दुनिया देखने लगता है। और इस मूवी को गूगल IMDB ने 6.9 की IMDB रेटिंग दी है, और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 9 वाली मूवी है होटल ट्रांसिल्वेनिया। ये मूवी 2012 को आया था, और अभी तक इनमें 3 पार्ट बन चुकी है, और उनकी चौथा पार्ट आप अगले सर्जर ही देखेंगे। और इसे गूगल IMDB ने 7.1 की IMDB रेटिंग दी है, और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। Dad's really starting to like me. नंबर 8 वाली मूवी है आइस एज। ये मूवी 2002 को आया था, और अभी तक इनमें 5 मूवी बन चुकी है, और इस मूवी को गूगल IMDB ने 7.5 की IMDB दी है, और आप इस एनिमेटेड मूवी सीरीज को डिस्नी प्लस पर देख सकते हैं। नंबर 7 वाली मूवी है कंफू पांडा। ये मूवी 2008 को आया था, और अभी तक इनमें 3 पार्ट है, और इसे गूगल IMDB ने 7.6 की रेटिंग दी है, और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। I'm a blur. You never seen bear style. Would you hit it? How's that? नंबर 6 वाली मूवी है डिस्पिकेबल मी। तो ये मूवी 2010 को आया था, और अभी तक इस यूनिवर्स में 4 मूवी बन चुकी है, और इसकी 5वां पार्ट हम अगले सर्जर ही देखेंगे। और इस मूवी को गूगल IMDB ने 7.6 की IMDB रेटिंग दी है, और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 5 वाली मूवी है रॉकेट रर। ये मूवी 2012 को आया था, और अभी तक इनमें 2 मूवी बन चुकी है, और आगे जाके तो ये मूवी और भी बड़ा होने वाला है। और इस मूवी को गूगल IMDB ने 7.7 की IMDB रेटिंग दी है, और आप इसे डिस्नी प्लस पर देख सकते हैं। नंबर 4 वाली मूवी है श्रेक। तो ये मूवी 2001 को आया था, और अभी तक श्रेक की यूनिवर्स में 4 मूवी बन चुकी है, और इस मूवी को गूगल IMDB ने 7.9 की IMDB रेटिंग दी है, और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 3 वाली मूवी है दी इनक्रेडिबल्स। तो ये मूवी 2004 को आया था, और अभी तक इनमें 2 मूवी बन चुकी है, और इस मूवी को गूगल IMDB ने 8.0 की IMDB रेटिंग दी है, और आप इसे डिस्नी प्लस पर देख सकते हैं। नंबर 2 वाली मूवी है हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। तो ये मूवी 2010 को आया था, और इस ड्रैगन वाली यूनिवर्स में अभी तक 3 मूवी बन चुकी है, और इस मूवी को गूगल IMDB ने 8.1 की IMDB रेटिंग दी है, और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 1 वाली मूवी है टॉय स्टोरी। तो ये मूवी 1995 में आया था, और अब तक इस फ्रेंचाइज में 4 मूवी बन चुकी है, और इस मूवी को गूगल IMDB ने 8.3 की IMDB रेटिंग दी है, और आप इसे डिस्नी प्लस पर देख सकते हैं। तो आप वक्त है वीडियो को यहीं एंड करने की। ऐसे ही कंटेंट्स के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सच में एक मूवी फैन है तो ज़रूर करना। अगर वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों का साथ शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, जो भी हो कर देना। हम फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड और नई टाइम पर।